Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Previous lecture में हमने vectors के बारे में देखा कि कहाँ से उसका origin है regarding direct line segment और various definitions हमने देखी. So कुछ definitions उसमें pending है. So we will inshallah discuss those definitions today. तो एक और definition ये बनती है जिसको क्या हम बोलते हैं equilibrant vector क्या होता है? A single vector which balances two or more than two vectors is called equilibrant vector. It is always equal and opposed to that of the resultant of the given vectors. ये क्या मैं कहना चाहता हूँ? You just watch. For example, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं. वेक्टर मैं इजी बनाने के लिए यूज करता हूँ फोर्स फोर्स फोर्स. अदरवाइज इट कुड बी वेलोसिटी, इट कुड बी एक्सेलरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो फोर्स के साथ आपका डेली लाइफ में काम होता है, जल्दी समझ में आता है, तो बेटर टू यूज फोर्स. मान लीजिए एक रॉक है, एक पत्थर है, उसको दो आदमी खींच रहे हैं, एक यहां से दूसरा यहां से. अगर ये दोनों आपस में बराबर है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो इट इज एविडेंट कि बॉडी बीच में से चली जाएगी, बीच में से. ऐसा ही होगा डेफिनेटली कि एक पत्थर को खींचने पर अगर दोनों फोर्सेस बराबर है तो ये बीच में से बॉडी चली जाएगी. अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए ये 10 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, तो बॉडी कुछ बॉडी इसी के बीच में से चली जाएगी, यहां से यहां तक उसका एरिया है, मगर वो कुछ लगभग इसके नजदीक चली जाएगी क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है. अब ये पता नहीं, हम जनरल में लेते हैं कुछ भी, ये फोर्स कुछ हो, ये फोर्स कुछ हो. फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर मैंने लिया, ये बी वेक्टर मैंने लिया. अब जब ये दो इस बॉडी को पुल करते हैं, इस पत्थर को पुल करते हैं, मैं चाहता हूं कि ये पत्थर मूवमेंट ना करे, ये मूव ना करे, तो दैट मीन्स मुझे और एक फोर्स अप्लाई करना है. वो फोर्स कुछ ऐसा होगा, कुछ यहां से होगा, मगर वो किस एंगल पर, कहां पर मैं डालूं, किस तरह, हो सकता वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो, कुछ भी उसका एंगल हो सकता है. ये डिपेंड है कि मुझे पहले इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन दो का. मे बी वो रिजल्टेंट ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर टाइम बीइंग, दैट मीन्स जो इन दो का रिजल्टेंट है उसके अपोजिट में जो फोर्स मैंने अप्लाई किया उसको मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम फोर्स. ऑलवेज इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स. ये जो दो वेक्टर्स है उनका जो रिजल्टेंट मैंने निकाला उसके अपोजिट हो जाता है, उसको मैं इक्विलिब्रियम वेक्टर कहूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये एफ होगा तो ये माइनस एफ होगा. वेक्टर दोनों है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो बॉडी स्टेशनरी रहेगी. अब इतना ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर्स मैंने लिए, हो सकता है तीन वेक्टर्स, चार वेक्टर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो. इंशाल्लाह वी विल डील विद दोज वेक्टर्स जहां जहां पर मोर देन टू वेक्टर्स एक्ट करते हैं, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स. हम जब ज्यादा देखते हैं बुक्स में तो हमारा वहां पर ज्यादा फोकस होता है टू वेक्टर्स. जब हम ट्राइंगल लॉ वेक्टर्स लगाते हैं या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स लगाते हैं, मगर खाली दो ही फोर्सेस नहीं हो सकते हैं, फोर्सेस कैन बी इनफाइनाइट. तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो कैसे हम उसको, क्या मैं अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 फोर्सेस है, क्या मैं 10 बार उसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाऊं या 10 बार मैं उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाऊं? तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है और एक लॉ होता है, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स. लेटर ऑन हम वो उसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. इसके बाद और एक
ये जो होता है वेक्टर होता है वो होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर को दूसरा नाम हम बोलते हैं जीरो वेक्टर भी। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इट इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। कहने का मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं एक्सेलरेशन हमारे हमें पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं अगर बोलूं कि अ बॉडी इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इसकी जीरो है, तभी उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ऐसे ही करूं, मैं एक फिगर बनाऊं, सिंपल सा एक वीटी ग्राफ लेते हैं, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, 1 2 3 4। मान लीजिए यहां पर ऐसे कुछ ऐसा हो रहा है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए अगर मैं बोलूं यहां पर कितनी थी एक्सेलरेशन, ये इस पॉइंट पर कितनी एक्सेलरेशन, आप बोलोगे ए इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2 m/s². यहां पर कितनी थी दूसरी जगह, आप बोलोगे ए, चलो इसको ए वन इसको टू नाम रखते हैं, ए बाई 4/2 इज इक्वल टू अगेन 2 m/s². ए थ्री कितना है, 6/3 होता है फिर 2 m/s². और यहां पर ए फोर इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2 m/s². हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन हर जगह यहां पर कांस्टेंट है, ये मगर यहां पर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। वेलोसिटी यहां पर 2 थी, यहां पर फिर 4 थी, यहां पर 6 थी, यहां पर 8 थी विद द चेंज इन टाइम। जब टाइम 1 था 1 सेकंड था वेलोसिटी उस वक्त 2 थी, जब 2 सेकंड्स था वेलोसिटी उस वक्त 4 थी, जब 3 सेकंड्स था वेलोसिटी उस वक्त 6 थी, जब 4 सेकंड्स था तो वेलोसिटी उस वक्त 8 थी। चेंज इन वेलोसिटी हो रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। मगर जब अब ऐसा है कि हम बॉडी को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलाते हैं, मैं चेंज इन वेलोसिटी नहीं करता हूं, मैंने ऐसे किया, मींस टाइम 5 6 7 8 9 10 सो ऑन एंड सो फोर्थ, मान लीजिए यहां पर 11 है। हम देखते हैं कि जब यहां पर टाइम तो इंक्रीज हो रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इस ग्राफ को इस पोर्शन में कहूंगा कि यहां पर ए वेक्टर जीरो है, ए वेक्टर जीरो है, क्योंकि यहां पर इस पोर्शन में चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी यहां पर था बस। तो ये एग्जांपल हो सकती है, ये नल वेक्टर है जीरो वेक्टर की। या फिर आपको पता है राइट फ्रॉम बिगिनिंग 9th क्लास से हमें पता होता है जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये हमें पता है। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी इज जीरो वेक्टर, दैट इज वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, किसका, स्टेशनरी बॉडी का। सो दिस वॉज रिगार्डिंग नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। आप ये एग्जाम्पल्स अच्छी तरह देख सकते हो।